दोस्तों टचल में आप सभी का तहदिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों क्या आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट नहीं है ना, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। इस वीडियो के अंदर ऐसी खतरनाक खुफिया राज सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट को एक्टिवेट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, सेट कर सकते हो, जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट नहीं दिया लेकिन पीछे में फिंगरप्रिंट दिया या साइड में फिंगरप्रिंट दिया, क्योंकि डिस्प्ले पे जो फिंगरप्रिंट आता है ना वो महंगे फोन के अंदर आता है, सस्ते फोन के अंदर नहीं आता है। अगर आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट नहीं है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप की मदद से आप अपने मोबाइल के अंदर बिल्कुल रियल डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट को एक्टिवेट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, जो आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कह लेता हूं वीडियो स्टार्ट में नाम सितारे और आप देख रहे हो गटोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा मोबाइल फोन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट नहीं दिया, पीछे में फिंगरप्रिंट दिया होगा या साइड में दिया होगा, क्योंकि डिस्प्ले पे जो फिंगरप्रिंट आता है ना वो महंगे फोन के अंदर आता है, सस्ते फोन के अंदर नहीं आता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस वीडियो को पूरा देखते हो ना तो बिल्कुल रियल आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट को एक्टिवेट कर सकते हो, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप की मदद से। तो कैसे आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट को एक्टिवेट कर सकते हो, अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो ना तो इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे ऑल पे सेट करना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा, कमेंट के अंदर फिंगरप्रिंट लिखना होगा। इतना छोटा सा काम करने के बाद दोस्तों सबसे पहले करना क्या होगा, आप अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना होगा। जैसे आप अपने फोन के सेटिंग में चले जाते हो ना, जाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएगा लॉक स्क्रीन करके, आपको सेटिंग मिलेगा। लॉक स्क्रीन सेटिंग पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे लॉक स्क्रीन सेटिंग पे आप क्लिक कर लेते हो ना, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो यहां पर आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी होगा, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। इस सेटिंग पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले करना क्या होगा, जो भी आपने पैटर्न लॉक या पिन लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक आप पहले से इस्तेमाल कर रहे होंगे उसे आपको बंद कर देना होगा। जैसे कि आपको टर्न ऑफ यहां पे कर देना होगा, जैसे मैंने यहां पे बंद कर दिया, सब कुछ यहां पे बंद हो चुका, फेस लॉक या फिंगरप्रिंट या स्क्रीन लॉक मैंने यहां पे बंद कर दिया। जैसे बंद करने के बाद सिंपल आपको पहला काम हो चुका, पहला स्टेप आपने कर लिया। पहला स्टेप करने के बाद आपको दूसरा स्टेप को फॉलो करना होगा, दूसरा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। दूसरा ट्रिक यूज करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपके मोबाइल के अंदर ये जो आप देख रहे हो थीम नाम करके आपको सेटिंग मिल जाएगा। जैसे कि मैं स्किप कर देता हूं, सबसे पहले स्किप कर देता हूं, तो ये जो थीम्स देख रहे हैं, थीम्स नाम करके आपके फोन के अंदर या सभी फोन के अंदर थीम्स नाम करके आपको एक ऐप होता है जो बाय डिफॉल्ट कंपनी वाले खुद देते हैं। तो जैसे आप थीम्स नाम करके आपको ऐप को ओपन कर लेते हो ना, ओपन करने के बाद यहां पे सर्च बटन देख रहे हैं, सर्च बटन पे आपको एक चीज सर्च करना होगा। क्या सर्च करना, सर्च करना होगा, मैंने ऑलरेडी यहां पर टाइप कर चुका, यहां पर देख सकते हो स्मॉल लेटर में आपको रियल लिखना होगा और कैपिटल में एक्स लिखना होगा, फिर से आपको स्पेस देना होगा। स्पेस देने के बाद आपको कैपिटल लेटर में आपको एल लिखना होगा, स्मॉल लेटर में ए जी ए सी वाई यहां पे लिखना होगा। जैसे कि आप देख रहे हो स्पेलिंग आप देख सकते हो, ऐसे ही आपको सर्च करना है। तो जैसे आप इसे सर्च कर लेते हो ना, सर्च करने के बाद यहां पे आ चुका। आने के बाद दोस्तों ये जो आप रियल एक्स देख रहे हो ना, इस पे आपको क्लिक करना होगा पहला वाला ऑप्शन पे। जैसे ही क्लिक कर लेते हो ना, तो ना जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हो रियल एक्स यहां पे एल ई जी ए सी वाई यहां पे लिखा हुआ। तो ये वाला ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर लेते हो ना थीम्स को, तो नीचे में आपको डाउनलोड ऑप्शन होगा। जैसे डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करोगे ना, तो जैसे डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे ना, तो यहां पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका। तो कुछ सेकंड यहां पे लगेगा, तो यहां पे वेट करना होगा। तो जैसे यहां पे डाउनलोड हो जाता है ना, तो एक और सेटिंग यहां पे करना काफी जरूरी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पे डाउनलोड होने देते हैं, देख सकते हो फाइनली यहां पे डाउनलोड हो चुका। डाउनलोड होने के बाद देख सकते हैं यहां पे अप्लाई नहीं करना, यहां पे कस्टमाइज पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे ही कस्टमाइज पे जाओगे ना, तो यहां पे आपको पूरा टिक होगा, तो आपको पूरा टिक नहीं करना है। यहां पे आपको सिस्टम को भी हटा देना होगा, अनटिक कर देना है। और यहां पे आपको देख सकते हो यहां पे क्या लिखा हुआ, आइकॉन को भी अनटिक कर देना होगा। जैसे कि मैं देख सकती हूं यहां पे अनटिक कर दिया, और यहां पे होम स्क्रीन को भी अनटिक कर देना। ऊपर में आपको जो लॉक स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन पे आपको जो ना टिक रहने देना होगा। जैसे लॉक स्क्रीन पे टिक होगा ना, तो नीचे में अप्लाई बटन होगा, तो अप्लाई कर देना होगा। जैसे अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे ना, तो सक्सेसफुली यहां पे अप्लाई हो चुका। अप्लाई होने के बाद सिंपल आपको बैक कर देना होगा। जैसे आप बैक कर लेते हो यहां पर, तो लोडिंग होगा। जैसे कि आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे जो फिंगरप्रिंट है ना, वो फाइनली एक्टिवेट हो चुका, वो भी बिल्कुल रियल बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप की मदद से। मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे
ऐसे मोबाइल की स्क्रीन को मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद बूम गाइस फाइनली दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट आ चुका। मेरे मोबाइल के अंदर पीछे में फिंगरप्रिंट दिया या आपके फोन के अंदर साइड में फिंगरप्रिंट होगा या पीछे में डिस्प्ले पे नहीं होगा ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये ट्रिक की मदद से मोबाइल के डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट एक्टिवेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल रियल। जैसे मैं मोबाइल के स्क्रीन को मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, जैसे कि फिंगरप्रिंट को टच कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल के स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो रियल तरीके से जो एनिमेशन आता है ना, इसी तरह से आप टच करोगे ना एनिमेशन के साथ जो ना मोबाइल के स्क्रीन यहाँ पे अनलॉक होगा। हर कोई आपके दोस्त देख करके जो ना बिल्कुल चौंक जाएंगे, सोचेंगे कि भाई तूने ये चीज कैसे किया। तो कुछ इस तरीके से मोबाइल के डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट को एक्टिवेट कर सकते हो, जो आप हर कोई देख करके बिल्कुल चौंक जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मोबाइल के डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट को एक्टिवेट किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा, थोड़ी सी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे ऑल पे सेट करना दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों, अपने ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।